हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय स्मार्ट बैंकिंग में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आप लोग जैसे थंबनेल पढ़ ही लिए होंगे कि मैं इस वीडियो में आपको क्या बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो है आधार कार्ड के साथ अपने मोबाइल नंबर को कैसे लिंक कर सकते हैं, इस वीडियो में यही प्रोसेस बताने वाला हूँ स्टेप बाई स्टेप। तो वीडियो को आपको कम्प्लीट वॉच करना होगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन या फिर बैंकिंग से रिलेटेड या फिर टेलीकॉम इंडस्ट्री से रिलेटेड वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो है अभी भी 70 से लेकर 80% ऐसे यूजर हैं जो कि मेरा वीडियोज को रेगुलर वॉच करते हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको कोई भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। जैसे कि गाइज आप देख सकते हैं यहां पर मैं क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लिया हूं। उसके बाद आपको यहाँ पर uidai.gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आप आ जाइएगा। आ जाने के बाद सिंपल सा आपको स्क्रॉल डाउन कर देना है। तो यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको सिंपल सा यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पर लिखा रहेगा बुक एंड अपॉइंटमेंट। तो उसके बाद आपको सिंपल सा बुक एंड अपॉइंटमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर UIDAI जो है दो सिस्टम में रन होता है। जैसे कि यहाँ पर UIDAI जो है खुद अपना सिस्टम आधार केंद्र का रन करवाता है और जो यहाँ पर दूसरा है रजिस्ट्रार के थ्रू यह रन होता है। तो यहाँ पर सिंपल सा आपको स्टेट को सिलेक्ट कर लेना रहेगा। तो मैं अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अपना सिलेक्ट कर लेता हूँ स्टेट। उसके बाद आपको सिंपल सा बुक एंड अपॉइंटमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना रहेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोसीड टू बुक अपॉइंटमेंट, उस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना रहेगा। तो क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पर कुछ प्रोसेस लेता है तो मैं फिर से वेट कर लेता हूँ। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर इंटर करने को बोलेगा और दूसरा यहाँ पर कैप्चा इंटर करने के बाद आपको सिंपल सा जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक UIDAI की तरफ से वेरिफिकेशन कोड आएगा, यहाँ पर OTP आएगा, उसको आपको यहाँ पर फिलअप कर लेना है। फिलअप करने के बाद आपको वेरीफाई OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना रहेगा। तो चलिए मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पर आपको रेसिडेंशियल ऑटोमेटिक यहाँ पर सेलेक्ट हुआ रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर आधार नंबर दे देना है और यहाँ पर आधार कार्ड के साथ जो भी नेम अटैच है वो वाला यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, यानी दे देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, सिटी सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पर आपके स्टेट में जो भी नियरेस्ट ब्रांच होगा वो वाला यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपल सा स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद आपको नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना रहेगा। तो चलिए मैं सारा डिटेल्स यहाँ पर फिलअप कर लेता हूँ। तो यहाँ पर गाइज आपको इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा जहाँ पर पर्सनल डिटेल्स आपको से पूछा जाएगा। यहाँ पर जो है पर्सनल डिटेल्स, आप जिस भी पर्सनल डिटेल्स को, जैसे यहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर को चेंज करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज करवा सकते हैं। लेकिन अभी इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर चेंज करने का तरीका बता रहा हूँ कि कैसे आप मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं या फिर अपडेट कर सकते हैं। तो आपको सिंपल सा मोबाइल वाले कैटेगरी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अप्लीकेबल फी यानी 50 रुपये आपको इसके लिए देना पड़ेगा। तो गाइज आपको यहाँ पर सिंपल सा ईमेल आईडी इंटर कर लेना है। इंटर करने के बाद आपको सिंपल सा नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना रहेगा। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आपको यहाँ पर डेट एंड टाइम को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको डेट एंड टाइम सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर टाइम देख सकते हैं और मेरा डेट भी देख सकते हैं। उसके बाद आपको सिंपल सा स्क्रॉल डाउन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट का एक ऑप्शन नजर आएगा, उस पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना रहेगा। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर एप्लीकेशन का पूरा रिव्यू आ जाएगा जिसे आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर पढ़ने के बाद सिंपल सा नीचे सबमिट वाला एक ऑप्शन आ जाएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे ही फ्रेंड सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, UIDAI के थ्रू आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक SMS आएगा और वहाँ पर एक लिंक दिया हुआ रहेगा। उस लिंक पर आपको क्लिक करके इस फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके उसे आप प्रिंट करवा के अपने पास रख लीजिएगा। उसके बाद आपको जो करना है वो ये करना है फ्रेंड्स कि आपको अपने नियरेस्ट ब्रांच जो कि फॉर्म में आप फिलअप किए थे
उसमें आपको चले जाना है वहाँ ब्रांच में, और वहाँ आप जैसे ही जाते हैं आपका जो है आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक हो जाएगा। तो गाइज यही प्रोसेस है जो कि मैंने आपको बता दिया पूरा वीडियो में स्टेप बाय स्टेप कि क्या आपको आधार कार्ड में नंबर चेंज करवाने के लिए कौन कौन सा स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। और यदि वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि मैं वहाँ पर रिप्लाई आपको देने का कोशिश करता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर किसी नए इंटरेस्टिंग और अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड।